आपके पास फेसबुक की 2-3 ID हैं, दूसरी आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, तो करना क्या है? फेसबुक में दूसरी आईडी को डिलीट करने के लिए बहुत ही इजी तरीका बता दूंगा। कहोगे अरे भाई यार, तुम तो कम समय में इतना अच्छा तरीका बता दियो, आज तक कोई नहीं बता पाया। उसके लिए मैं क्या करना है, फेसबुक को ओपन करना है। जैसे हम फेसबुक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। बैक करते चलते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा आपके सामने। ओपन करते हैं ये, ठीक, ये इंटरफेस आ गया आपके सामने। अब आपको क्या करना, ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लोगो का, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं, नीचे आएंगे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, उसी के जस्ट नीचे का ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेटिंग का, क्लिक कर लो। अब अकाउंट सेंटर दिखाई दे रहा, इस पर क्लिक कर लो। अब नीचे आएंगे देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पर्सनल डिटेल्स का, इस पर क्लिक कर लो। जो अकाउंट डिलीट करना है, मैं उस अकाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, वो अकाउंट पहले आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अकाउंट ऑनरशिप कंट्रोल पे क्लिक करो, डीएक्टिवेशन और डिलीशन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे बारी आती है जो आपकी सेकेंड आईडी है फेसबुक की, जिस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, वो आईडी अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी होगी। ओके, समझ गए, देन आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। अब ऊपर देख सकते हैं डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, मुझे डीएक्टिवेट नहीं, मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपसे बता रहा कि आपने जो इस पेज से जितने भी इस अकाउंट से जितने भी पेज बनाए वो भी डिलीट होंगे, कोई बात नहीं, डिलीट होने दो। यहाँ पर रीजन दे देंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते रहेंगे। अब आपको पासवर्ड डाल देना, देन आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें।